नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपके साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। तो साथियों, वह अपडेट है कि निष्ठा के जो प्रशिक्षण हमारे साथियों ने पिछले वर्ष नहीं किए थे, उनके प्रशिक्षण भी अब दीक्षा ऐप पर ही होंगे। जी हाँ साथियों, जिन साथियों ने निष्ठा के प्रशिक्षण पिछले साल ऑफलाइन नहीं किए थे, उन्हीं शिक्षकों को ये प्रशिक्षण करना अनिवार्य है, जिसके कई मॉड्यूल भी जारी हो चुके हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आपको किस तरह निष्ठा के प्रशिक्षण में भाग लेना है और कौन कौन से मॉड्यूल है जो जारी हुए हैं आपके लिए निष्ठा से संबंधित। तो चलिए सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो साथियों, दीक्षा से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, दीक्षा की ऐप को इंस्टॉल करना होगा। यदि आपने अभी तक दीक्षा की ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है और आपको इंस्टॉल करने में किसी तरह की भी समस्या है, तो उससे संबंधित वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा रखा है, आप उसकी सहायता ले लें, जिसमें बताया गया है संपूर्ण प्रक्रिया। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से ही आपको लॉगिन करना है, तो सारी प्रक्रिया पहले आप उस वीडियो को देखकर सीख ले, उसके बाद आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। इस तरह से आपके सामने ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और जो प्रक्रिया वीडियो में बताई गई है उसको आपको फॉलो करना है। फिर जब आप दीक्षा पर यहाँ क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आपको धैर्य बनाए रखना है। अब यहाँ दीक्षा हमें कुछ डाउनलोड करने के लिए कह रही है, तो साथियों हम यहाँ क्लिक करके इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, और यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ कैंसिल पर क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही हम कैंसिल पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ कई तरह के और नीचे की ओर ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ एक ऑप्शन है पुस्तक संग्रह, फिर उसके बाद ऑप्शन है कोर्स, फिर उसके बाद यहाँ मिलेगा डाउनलोड, उसके बाद यहाँ मिलेगा प्रोफाइल। तो साथियों, सबसे पहले आपको जो आपकी प्रोफाइल है उसको चेक कर लेना है। जो भी आपका विद्यालय होगा उसकी संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ प्रोफाइल पर डिस्प्ले हो जाएगी, तो आप कन्फर्म हो जाएंगे कि मेरा जो लॉगिन है भी लॉगिन विद स्टेट सिस्टम ही है, अन्यथा आपके जो सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं होंगे। सर्टिफिकेट केवल और केवल लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से लॉगिन करने पर ही हमें प्राप्त होते हैं। तो साथियों, अब जब आप संतुष्ट हो जाएं कि मेरा जो लॉगिन है वो कम्प्लीटली लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से है, तो अब आपको यहाँ जो एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कोर्स का, इस कोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, दीक्षा ऐप थोड़ा सा प्रोसेस करेगी और इस तरह से हमारे सामने खुलकर आएगी। अब यहाँ साथियों कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मेरे राज्य के कोर्स, तो ये आपके राज्य के कोर्स यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ साथियों एक हमें ऑप्शन मिल रहा है और देखें, ये वाला ऑप्शन आपको भी मिलेगा, तो इस पर हमें अब क्लिक करना है। तो चलिए मैं भी क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अगला प्रश्न जितने भी कोर्स हमारे राज्य में चल रहे हैं वो खुलकर हमारे सामने आ जाएंगे। अब आपको यहाँ नीचे की ओर जाना है, जहाँ एक ऑप्शन साथियों हमें दिखाई दे रहा है और दिखाएं, तो अभी और कोर्स है मतलब जो हमें दिखाए जाएंगे, तो इस पर हमें क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब हमारे सामने आ चुके हैं अंत ही अंत में साथियों, एक तो ये वाला मॉड्यूल, एक ये वाला मॉड्यूल, एक ये वाला मॉड्यूल, तीन मॉड्यूल ये हैं जो निष्ठा की ट्रेनिंग से संबंधित है। और मैं फिर आपको याद दिला दूं कि ये मॉड्यूल, ये प्रशिक्षण उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त करना है जिन्होंने पिछले वर्ष जो निष्ठा की ट्रेनिंग हुई थी उसको ऑफलाइन प्राप्त नहीं किया था, जिसकी सूची भी जारी हो चुकी है कि कौन कौन से भाई वो अध्यापक है जिनको ये प्रशिक्षण करना है। तो इसमें पहला मॉड्यूल है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा मॉड्यूल है इसमें स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास, और तीसरा जो मॉड्यूल अभी इसमें जारी हुआ है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। तो साथियों इन तीनों चीज़ों का प्रशिक्षण हमें प्राप्त करना है, और आपको संपूर्ण प्रक्रिया जो नीचे लॉगिन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसकी सहायता ले लें और आप दीक्षा को लॉगिन कर लें। तो साथियों उम्मीद करता हूँ
इस वीडियो की सहायता से आप आपका जो निष्ठा का जो प्रशिक्षण है उसे आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। और साथियों फिर मैं आपसे एक निवेदन कर लूं कि यदि आपको लॉगिन करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा रखा है, आप उनकी सहायता ले लें, लेकिन लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से ही करें। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।